गूंज की बिल्डिंग की लिफ्ट ही खराब हो गई, बताओ। हद है, मेरे को भी चलवा दिया। हाँ वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब जानते हैं कल से नवरात्रि शुरू हो रही है, तो मुझे जाना है मार्केट, नवरात्रि का सामान लेके आना है, जो भी पूजा पाठ का सामान है वो सब लेके आना है। और आज हमारी एक फ्रेंड है निकिता, तो उसने घर शिफ्ट किया है, वो भी यहीं गोरेगांव में ही, उसने हमारे घर के पास में घर लिया है, तो उसने आज डिनर पर इन्वाइट किया है, तो आज रात को खाने पर उसके घर पर जाना है। और कल से नवरात्रि शुरू है, तो बस हैपनिंग डेज। तो फेस्टिवल्स मुझे बहुत पसंद है, पूजा पाठ वाले, जैसे कि गणपति, नवरात्रि, ये सारी चीज़ें। तो बस खुश हो रही हूँ थोड़ी सी कि हाँ कल से नवरात्रि है, तो 9 दिन तो बहुत अच्छे से कट जाएंगे मेरे। तो चलते हैं सामान लेके आते हैं। तो गाइस आ गई हूँ रेडी वेडी होके, इधर आ रहे हुए हाय। तो बस जा रही हूँ सामान लेने, सामान वामान लेके आती हूँ। 9 दिन तो नवरात्रि के मस्त निकल जाएंगे पूजा पाठ। कल से नवरात्रि, कल पहला नवरात्रि है, आज अमावस्या है, तो बोलते हैं अमावस्या के दिन एक कटोरी में चावल, नहीं एक कटोरी में चावल और उसमें कपूर रखकर पूरी रात रख दीजिए, और नवरात्रि जैसी कल सुबह शुरू होती है तो उसे जला दीजिए दरवाजे के बाहर, और पितरों को याद करके, तो जो भी पितृ दोष होते हैं ना वो हट जाते हैं उससे, और जो जलाने के बाद में जो राइस बचते हैं ना उनको किसी भी पेड़ के इसमें नीचे छांव में जाके रख दीजिए, जहाँ पर भी अपने जो पक्षी हैं वो लोग खा सकें। तो कहते हैं जिनको भी पितृ दोष है या पितृ दोष होता है तो वो सब हट जाता है, तो आप ये कर सकते हो। नीम का पेड़, अरे नीम का पेड़ तो यहीं था, ये तो लाने पड़ेंगे फिर, तो इसमें तो है ही नहीं। और गाइस वो नवरात्रि में ना नीम के पेड़ से उसके 9 गुच्छे बना के दरवाजे पर टांगते हैं, ठीक है, तो वो बनाने होते हैं, तो वही मैं देख रही थी, नीम के पेड़ में पत्ते ही नहीं दिख रहे। तो भाई मैं आ गई सीधे एक दिया लेने, मुझे एक बड़ा दिया चाहिए था जो कि जलता रहे, और उसके अलावा मुझे एक जो मिट्टी की, ये आपको दिख रहे होंगे गोल गोल टोप जैसी, ये चाहिए था हवन के लिए, तो एक ये लिया, एक दिया लिया। तो हवन का सामान जल जाएगा? हाँ, ये तो बहुत बड़ा है, ये है छोटे वाले, ये हाँ। तो भाई मुझे लेना था माता जी का जो फेस होता है, तो इनकी गन्ने की माता बनाऊंगी मैं, जिनको नहीं पता वो बनने के बाद देखिएगा। तो ये मैंने ले लिया यहाँ से। ओह माय गॉड, सबके सब आज ही आए हैं लग रहा है, भीड़ देख रहे हो, बाप रे इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर, कैसे लूँगी मैं सामान। तो गाइस यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी, नंबर ही नहीं आने वाला, तो मैं सोच रही हूँ एक बार डीमार्ट जाके ट्राई करती हूँ, क्योंकि डीमार्ट में भी ऑलमोस्ट सब सामान मिल जाना चाहिए, तो डीमार्ट ही जाते हैं, वहीं देखते हैं, यहाँ तो बहुत भीड़ है। इतनी लंबी लाइन लगी है भाई साहब डी मार्ट जाने के लिए, ये सोच रही थी वहाँ भीड़ हो रही है, यहाँ भी भीड़ हो रही है। ये देखो बच्चा, शायद इसको कुछ चाहिए इसलिए रो रहा है, गूंज को आ रही है खड़े खड़े नींद। आप अंदर बैग लेके नहीं जा सकते, इसलिए यहाँ पर काउंटर में या तो अपने बैग को सील करवाना पड़ेगा, वो लोग यहाँ से पूरा सील करके देते हैं, फिर अंदर जाके तो सील ओपन होती है, या फिर अगर नहीं ले जाना चाहते हैं तो बैग यहीं रख दीजिए। हो गया जमा? क्या कर रही है? मेरा हेलमेट देखो, सामान रखने का काम भी आता है, मल्टीपर्पज हेलमेट है। तो भाई अभी तो आधा सामान भी नहीं आया, मैं इतना थक गई, देखा वहां से बचने के लिए डीमार्ट गई और डीमार्ट में भी भीड़ थी, तो फिलहाल घर आ गए क्योंकि यम्मी का फोन आया था किधर हो, तो वाटरमेलन खाएंगे, उसके बाद थोड़ी एनर्जी लेंगे, उसके बाद फिर जाएंगे। क्या हो गया? अरे बाप रे बाप, हां हां, क्या 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 हुआ? क्या पता नहीं क्या बोली, डांस करना, टोस्ट खिलाओ, टोस्ट खिलाओ। ओ मामा, अपने हाथ से नहीं खाया जा रहा, चलो हैं यहाँ बैठ के देखो, यहीं बैठ के खा रही है ये लड़की। बेबी क्या खा रही है, क्या है ये, हैं मंचूरियन, चल बाय बाय। तो अभी हम आए गन्ना लेने, लक्ष्मी बनानी है मुझे गन्ने की, वो आप जिनको नहीं पता वो बनने के बाद देखना कि कैसी बनेगी। गूंज की बिल्डिंग की लिफ्ट ही खराब हो गई, बताओ।
हद है, मेरे को भी चलवा दिया। हाँ तू बोल रही थी ना डाइटिंग करनी है, पतला होना है, ले भगवान भगवान बोले अब ले पतला हो जा तू। मेहनत करवा रही है माता रानी। तो भैया सीढ़ियाँ चढ़ने का दिन है, यहाँ तो लिफ्ट ही नहीं है, ये चार माले की बिल्डिंग है एक्चुअली, इधर देख के आना ठीक है। तो यहाँ पे तो लिफ्ट ही नहीं है, थक गए S141 थक गए प्रभु थका दिया यार। हेलो हाय, हेलो हे प्रभु जगन्नाथ। हाँ आज खुद जल्दी आ गई तो बड़बड़ा रही हैं मैडम। हाय रहने तो भाई, बड़े बड़े लोग हैं ये कहाँ पूछते हैं। हाय निकी, अरे यार ये फिर ब्लॉग क्या बन रहा है? मैं वॉशरूम में चले गई थी। ओह इधर साबुदाने फ्राई हो रहे हैं, यस चाय बन रही है, वेरी गुड। रूम अतरंगी सा है ना, इतने घूम घूम के। अबे इधर की लाइट कहाँ से चलती है? रूम अच्छा यार, ऐसा लगा गूंज के जैसे बिल्कुल सेम इसने पहना हुआ है। हाँ मैंने भी आते ही वही नोटिस किया। इधर पर्सनल रूम से टेरेस भी है, देखो कितना बड़ा, मुंबई में इतना बड़ा टेरेस मिलना बहुत बड़ी बात है। ठीक है बहुत बड़ा टेरेस है। देख तुझे यहाँ पर कपड़े सुखाने का टेंशन ही नहीं है। रहने दे भाई, 6 महीने में बाद में रिकंस्ट्रक्शन में जा रही हूँ, कौन बदलता रहेगा घर। वैसे कह रहा हूँ घर बहुत अच्छा है, बट इंटीरियर बहुत अच्छा बना है, वहाँ पर तू आराम से स्लीप कर बैठ भी सकती है। जो और कुछ और कुछ, दिस इज नॉट माय होम। हाँ बहुत अच्छा है। बंद कर दे उसको। कैसे हो गई है? क्या इधर इधर इतने गूंज गांव करो, रही नहीं है क्या अस्पतालों में? अच्छा ये नहीं देखा था मैंने कभी, तुम उधर नहीं रही क्या अपने उधर सरकारी क्वार्टर्स में? हाँ स्पेस कर दो तो चलो लगाओ। हाँ इस पे न्यूज़पेपर लगा के लगा लो। कौन खाए रसगुल्ले? किसने खाया रसगुल्ले? खिड़की बोले नहीं खाया तुमने तो। तुम तो खूब रसगुल्ले बैंगलोर से खा के आए हो, तुम रहने दो। गर्मी हो रही है भाई, देखो कर पार्टी में जो तुमने बनाया है मैंने पहले बोला था क्या तो गाइज़ निकी के घर से आ गई मैं घर, क्योंकि मुझे माता रानी का पूरा सामान रेडी करना था, तो यहाँ पर मैं उनका लहंगा सिल रही हूँ हाथ से, तो कल बन जाने के बाद आपको दिखाऊंगी कि कैसा है। तो गाइस अभी बज रहा है रात के 3:30 और मैं नहा धो चुकी हूँ, मैंने हेड वॉश किया है क्योंकि मुझे फिर ड्रायर लगाना पड़ता है, तो सुबह सुबह मॉर्निंग में पूजा पाठ भी करना है तो इतना टाइम नहीं मिलता, तो इसलिए नहा धो लिया, हेड वॉश कर लिया, नहा लूँगी वापस सुबह बट हेड वॉश नहीं करूँगी। तो बस फिलहाल आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में पहली नवरात्रि के साथ, तो देखते रहिए गुंज ब्लॉग्स, देखना ना भूलिए गुंज वेव। थैंक यू सो मच, टाटा। 3:30 हो गया यार, नींद आ रही है, बाय।